सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9 का हिंदी क्षितिज चैप्टर 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला। सर्वप्रथम हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ पुस्तक निकाल लें और सुंदर तरीके से इसका अध्ययन करें और लिखें। भारत के ख्याति प्राप्त छायावादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। प्रश्न दे सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहां हुआ था, आप आंसर में दे देंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षाएं पास करके उन्होंने 8 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापकी का कार्य की। उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और बांग्ला की भाषा का भी अध्ययन किया। सन 1913 ईस्वी में उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसी समय गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने जबलपुर से कर्मवीर का संपादन किया और गणेश शंकर की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप का संपादन संभाला। सन 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। हिंदी साहित्य संसार में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, ऐसे महान छायावादी कवि का निधन सन 1968 ईस्वी में हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जिन्हें कविता संग्रह में हिम पीठनी, हिम तरंगनी, युग चरण, माता, वेणु लो भूजे धरा, समर्पण, बिजरू काजल आँच रही, मरण ज्वार और धूम्र वलय इत्यादि है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक एवं समय के पांव इनके संस्मरण है। प्यारे बच्चों, साहित्य देवता अमीर इरादे, गरीब इरादे एवं चिंतन की लाचारी इनकी गद्य काव्य और निबंध है। प्यारे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं का प्रमुख स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीयता है। वे अपने देश और संस्कृति से अपार स्नेह करते थे। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भक्ति और आध्यात्म के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी रचनाएं भी की हैं। प्रकृति उनके काव्य का मुख्य विषय रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्द भी हैं। उन्होंने छायावादी कवियों की भांति संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुत कम किया है। उनकी छंद योजना में नवीनता है। प्यारे बच्चों, आप माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवनी अपने शब्दों में लिखेंगे और कुछ प्रश्नोत्तर देते हैं उसे आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहां हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, माखनलाल चतुर्वेदी के माता और पिता का नाम लिखें। प्रश्न संख्या 3, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित किन्हीं 5 कविता संग्रह का नाम लिखें। 4 है, माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण की उपाधि से कब विभूषित किया गया। और लास्ट फिर जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ था। प्यारे बच्चों, इसे आप लिखेंगे अपने ग्रुप में और अपने सौ समय भेजेंगे। थैंक्स, बाय।